हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का 18th सेशन है। ठीक है, सो अब तक हम लोग 17th सेशन कवर कर चुके हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के। उनमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करे हैं। ठीक है, पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस हम लोगों ने कर लिया है, फिर बोट एंड स्ट्रीम हम लोगों ने कर लिया है। अब चांस है हमारे पास पढ़ने का एस्केलेटर को। ठीक है, तो एस्केलेटर के बारे में पढ़ेंगे कि एस्केलेटर होता क्या है, इसके बारे में पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो व्हाट आई सजेस्ट यू, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्पीड डिस्टेंस की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप देखो अगर आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, दिस इज अवर 18th सेशन ऑन टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस एग्जाम। जितने भी एग्जाम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में पिंड हुआ मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो एस्केलेटर क्या होता है पहले एस्केलेटर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ लिया होगा। ठीक है, मैंने पिछली तीन वीडियोज में बोट एंड स्ट्रीम को पूरा समझाने की कोशिश करी थी। ठीक है, एस्केलेटर बिल्कुल सिमिलर है बोट एंड स्ट्रीम की तरह। ठीक है, पहले मैं बोट एंड स्ट्रीम के बारे में आपको बताता हूं। जैसे अगर ये पानी का फ्लो इधर होता था और ये एक बोट है, ये बोट भी अगर उसी डायरेक्शन में जारी होती थी तो हमारे इस वाले केस को हम लोग क्या बोलते थे, डाउन स्ट्रीम बोलते थे। बोट की स्पीड यदि x है, पानी की स्पीड यदि y है, तो यहां से स्पीड कितना आ जाता था, x प्लस y हो जाता था ओवरऑल स्पीड। ऐसे ही एस्केलेटर है। आप लोगों ने बहुत सारे मॉल्स में घूमे होंगे, आप लोगों ने एस्केलेटर लगे हुए देखे होंगे। ठीक है, ये एस्केलेटर इस तरह से बने हुए होते हैं अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, ये एस्केलेटर इस तरह से बने होते हैं। ठीक है, मान लो ये यहां पर ग्राउंड फ्लोर है, ये यहां पर क्या है, ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, बात समझ में आने लग रही है, ये ग्राउंड फ्लोर है और यहां पर ये हमारे पास फर्स्ट फ्लोर है। मान लो ये हमारे पास यहां पर इधर फर्स्ट फ्लोर है, एस्केलेटर लगा हुआ है। अब एस्केलेटर ये नीचे से ऊपर जा रहा है, दो तरह के एस्केलेटर होते हैं, एक तो जो ऊपर की तरफ जाते हैं और एक नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये एरो बताएगा कि एस्केलेटर किधर जा रहा है, एरो क्या बता रहा है, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है। तो ये मूविंग अपवर्ड एस्केलेटर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब एस्केलेटर की खुद की स्पीड होती है। यूजुअली इंडिया में क्या होता है, लोग एस्केलेटर पे जाके खड़े हो जाते हैं, उन्हें लगता है एस्केलेटर खुद ऊपर खींच लेगा हमें। बट जब आप एस्केलेटर पे जाके जस्ट खड़े हो गए हो, ठीक है, तब आप काम नहीं कर रहे हो, काम कौन कर रहा है, एस्केलेटर काम कर रहा है। तो आप किसकी स्पीड से ऊपर जा रहे हो, एस्केलेटर की स्पीड से, जिस स्पीड से एस्केलेटर चल रहा है आप उसी स्पीड से चल रहे हो। बट कुछ ज्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं मेरे जैसे, लिटरली मेरे जैसे, ठीक है, हम एस्केलेटर पे सिर्फ खड़े नहीं होते जाके, हम एस्केलेटर पे जाके भी चल रहे होते हैं जिससे हमारा टाइम बच जाए। एस्केलेटर ऊपर जा रहे हैं अपनी स्पीड से और मैं भी अपनी स्पीड से चल रहा हूं, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे लाइक बोट एंड स्ट्रीम, पानी इधर जा रहा होता था, नाव इधर जा रही होती थी, तो स्पीड क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी। मान लो अभी मैं यहां पे हूं, ठीक है, अभी मैं यहां पे हूं, मैं खड़ा हूं यहां पे, एस्केलेटर की स्पीड कितनी है, मान लो ई है, ये मैं खड़ा हूं, मेरी स्पीड कितनी है, मान लो एम है। ठीक है, मैन की स्पीड कितनी है, एस्केलेटर की स्पीड कितनी है, ई। तो अगर एस्केलेटर भी जा रहा है और मैं भी इस पे सिर्फ जाके खड़ा नहीं हूं, मैं भी चल रहा हूं एस्केलेटर पे जाके, ठीक है, सीढ़ियां तो होती है ना भाई, सीढ़ियों पर आराम से चल सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स से तो बने होते हैं ना। अच्छा, इनको स्टेप्स बोलते हैं हम लोग। जैसे कितने स्टेप्स का एस्केलेटर है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर किसी आदमी को ग्राउंड फ्लोर से सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाना है तो उसको, मान लो एस्केलेटर रुका हुआ भी है, तब उसको कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, 8 स्टेप्स चलने के बाद वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचेगा। तो ये एस्केलेटर कितने स्टेप्स का है, 8 स्टेप्स का है, ये स्टेप्स बोले जाते हैं। ठीक है, ये तो था एक्स्ट्रा नॉलेज। अभी हम देख रहे हैं एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है ई की स्पीड से, मैं भी ऊपर जा रहा हूं एम की स्पीड से, तो ओवरऑल स्पीड कितना हो जाएगा यहां पर मेरा, ई प्लस एम, क्योंकि एस्केलेटर मुझे ऊपर खींच रहा है और मैं खुद को भी ऊपर ही ले जा रहा हूं। तो इस वाले केस में स्पीड कितना होगा, ई प्लस एम होगा। वहीं दूसरे केस में अगर मैं आपको बोलता हूं, यहां पर ये एक और एस्केलेटर है यहां पर, ठीक है, ये मैंने एक और एस्केलेटर बना दिया और ये एस्केलेटर नीचे आता है, ये एस्केलेटर नीचे आता है। अब कोई आदमी यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी खुद की स्पीड m है और एस्केलेटर की स्पीड e है, तो यहां पर भी ओवरऑल स्पीड कितनी होगी, e प्लस m होगी। यहां पर भी ओवरऑल स्पीड कितनी होगी, e प्लस m होगी। बात समझ में आ रही है। अब थोड़े से चेंजेस लाते हैं हम लोग क्वेश्चन में, ठीक है, अब थोड़े से चेंजेस लेके आते हैं हम। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारे पास एस्केलेटर है नीचे आने का, एस्केलेटर है हमारे पास नीचे आने का, बट कुछ टैलेंटेड लोग, तुमने देखा होगा रील्स बनाने के चक्कर में, ठीक है, रील्स बनाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं, तुमने देखा होगा ना, तो ये उन्हीं लोगों की बातें करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमने क्या किया यहां पर, ये ग्राउंड फ्लोर है, एस्केलेटर नीचे आ रहा है, बट
ये आदमी इस एस्केलेटर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग, ठीक है। तो ये आदमी जा रहा है ऊपर, बट एस्केलेटर इसको खींच रहा है नीचे, आदमी जा रहा है ऊपर, तो यहां पर स्पीड क्या होगा? यहां पर एस्केलेटर आ रहा है नीचे, आदमी की स्पीड जा रही है ऊपर, तो यहां पर ओवरऑल स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ मैन माइनस स्पीड ऑफ एस्केलेटर। समझ में आ रही है? डिट्टो बिल्कुल पूरा का पूरा सिनेरियो सेम है बोट एंड स्टीम की तरह। एस्केलेटर नीचे आ रहा है, आदमी ऊपर जा रहा है, तो आदमी की स्पीड में से एस्केलेटर की स्पीड हटा दो, ये स्पीड होगी यहां पर, इस स्पीड से ऊपर जाएगा, ठीक है। जब आदमी भी ऊपर जा रहा होता है और एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है तब स्पीड ये, जब आदमी भी नीचे आ रहा होता है एस्केलेटर भी नीचे आ रहा होता है सेम स्पीड, बट जब आदमी ऊपर जा रहा हो, ठीक है, जब आदमी ऊपर जा रहा हो एस्केलेटर को नीचे खींच रहा हो, तो ये हमारी स्पीड होती है, ठीक है। सेम एज ये एस्केलेटर अगर ऊपर जाना शुरू करते, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में एस्केलेटर ऊपर जा रहा है और एक आदमी ऊपर से इसी एस्केलेटर नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर मैं यहां पर, ठीक है, अगर मैं यहां पर इसको हटा देता हूं सबसे पहले, ठीक है, इसको हटाया, एस्केलेटर ऊपर जा रहा था बट ये आदमी यहां पर खड़ा हुआ है, कह रहा है देखो तुम्हारा भाई इसी एस्केलेटर से नीचे जाके दिखाएगा, इसकी स्पीड कितनी है? आदमी की स्पीड कितनी होते हैं लेते हैं हम लोग? एम लेते हैं, ठीक है। अरे क्या बना रहा हूं मैं आज, चल भाई यार, ये ना रब करने में बड़ा धोखा देता है मुझे, तो इसने एक्स्ट्रा बहुत कुछ रब कर दिया, कोई नहीं, चलो ठीक है। इस आदमी की स्पीड कितनी है? एम है। एस्केलेटर इसको खींच रहा है ऊपर, आदमी आना चाह रहा है नीचे, तो यहां पर भी स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ मैन माइनस स्पीड ऑफ एस्केलेटर, ठीक है। अच्छा, जैसे बोट एंड स्टीम के केस में, बोट एंड स्टीम के केस में मैं स्पीड ऑफ बोट को एक्स मानता था और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को वाई मानता था, मैक्सिमम केसेस में मैं अब एस्केलेटर की स्पीड को ई मानूंगा और आदमी की स्पीड को एम मानूंगा एस्केलेटर के केस में, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, मैंने आपको बता भी दिया। अगर कोई हमसे डिस्टेंस पूछता है, इस एस्केलेटर की डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस के लिए वो क्या टर्म यूज करते हैं? स्टेप्स, STEPS, स्टेप्स, कितने कदम। अगर मान लो एस्केलेटर रुका हुआ है, एस्केलेटर काम नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा, एस्केलेटर खराब हो रखा है, ठीक है। अब किसी आदमी को नीचे से ऊपर जाने के लिए कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठवा स्टेप, सातवां स्टेप, आठवां स्टेप। उस आदमी को कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे? 8 स्टेप्स चलने पड़ेंगे अगर उसको नीचे से ऊपर जाना है या ऊपर से नीचे आना। मतलब अगर ये एस्केलेटर रुका हुआ है, स्टेशनरी है बिल्कुल, तो कितने स्टेप्स इस पे शो होते हैं? 8 स्टेप्स इस पे शो होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया होगा। एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है, आदमी भी ऊपर जा रहा है, दोनों की स्पीड ऐड कर दो। एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, उस मूविंग अप एस्केलेटर से, मूविंग अप एस्केलेटर से रील्स बनाने के चक्कर में एक आदमी नीचे आ रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ मैन माइनस स्पीड ऑफ एस्केलेटर, एम माइनस ई हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे एस्केलेटर और आदमी, तो स्पीड माइनस होगी। सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा? स्पीड ऐड होगी। मुझे लगता है जो लोग इसको बोट एंड स्टीम के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पा रहे होंगे, उन लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एस्केलेटर का, ठीक है। उन लोगों को यह एस्केलेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, जहां तक मैं श्योर, ठीक है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन से हम क्लैरिटी लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी तो अपने को क्वेश्चन से ही आती है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 54, टाइम स्पीड डिस्टेंस की। पिछली 17 वीडियोस में हम लोगों ने 53 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। दिस इज अवर 18th वीडियो और अब चांस है हमारे पास 54th क्वेश्चन को करने का। रीड करते हैं और खत्म करते हैं आज इस क्वेश्चन को। राम टेक्स 40 सेकंड्स टू वॉक अप ऑन एन अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर। ये क्लियरली मेंशन होगा क्वेश्चन में, एस्केलेटर कैसा है? अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर है, ठीक है, यानी कि एस्केलेटर ऊपर जा रहा है। राम टेक्स 40 सेकंड टू वॉक अप, राम भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है एक ही स्पीड से, राम ये रहा, राम भी ऊपर जा रहा है, राम की स्पीड कितनी हो जाएगी? एम हो जाएगी, ठीक है। बट ही टेक्स 40 सेकंड्स लगे इसको, इस वाले केस में इसको कितना टाइम लगता है? 40 सेकंड्स लगता है। बट ही टेक्स 60 सेकंड्स टू वॉक डाउन ऑन द सेम एस्केलेटर, इसी सेम एस्केलेटर, ये एस्केलेटर कैसा है? अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर है। इसी अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर से अगर राम नीचे आएगा तो राम की स्पीड तो एम है, तब इसको 60 सेकंड्स लगेंगे, तब इसको कितने सेकंड्स लगेंगे? 60 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है, इसी एस्केलेटर से ऊपर जाने में, क्योंकि एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है और राम भी अगर ऊपर जाएगा तो 40 सेकंड्स। इस ऊपर जाने वाले एस्केलेटर से अगर राम नीचे आएगा, इस ऊपर जाने वाले एस्केलेटर से यदि राम नीचे आएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? 60 सेकंड्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, 60 सेकंड्स क्यों लग रहे हैं? क्योंकि स्पीड कम हो जाएगा। जब स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि एस्केलेटर ऊपर खींच रहा है, आदमी नीचे आ रहा है, स्पीड क्या हो जाएगा? एम माइनस ई, स्पीड कम तो टाइम ज्यादा। आपको मैंने शुरू शुरू की कुछ वीडियो से ही बताया था,
पूरा का पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस दो कॉन्सेप्ट पे बेस है, टाइम कॉन्स्टेंट डिस्टेंस कॉन्स्टेंट, टाइम कॉन्स्टेंट और डिस्टेंस कॉन्स्टेंट। बच्चे यही तो वो डिस्टेंस है आज, यही तो वो डिस्टेंस है ना जो राम कवर कर रहा था, ऊपर जाते टाइम भी और नीचे आते टाइम भी, यही तो वो डिस्टेंस है जिसको राम कवर कर रहा था। ऊपर जाते टाइम भी उसने यही डिस्टेंस कवर किया, नीचे आते टाइम भी उसने यही डिस्टेंस कवर किया। ज्यादा अगर फील लेना है, अगर ज्यादा फील लेना है तो एस्केलेटर बना लो ना, ये वो डिस्टेंस है जो राम पहले कवर कर रहा था। ठीक है, राम पहले भी ये डिस्टेंस कवर कर रहा था, अब भी ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, यही तो इतने डिस्टेंस है। पहले इस डिस्टेंस को एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर ऊपर जा रहा है तो एस्केलेटर की स्पीड है m। पहले वाले केस में राम भी ऊपर जा रहा था, राम भी ऊपर जा रहा है, दूसरे वाले केस में राम नीचे आ रहा है, तो दोनों केस में वो यही तो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना इतना। जब डिस्टेंस सेम होता है ना, जब डिस्टेंस सेम होता है तो मैंने आपको हजार बार बताया है, टाइम के रेशो का जस्ट उल्टा कर दो स्पीड का रेशो आ जाता है, टाइम के रेशो का जस्ट उल्टा कर दो स्पीड का रेशो आ जाता है। ठीक है, पहले तो स्पीड देखो उसकी, स्पीड ऊपर जाते टाइम नीचे जाते टाइम, ठीक है, ऊपर जाते टाइम स्पीड कितनी होगी, क्योंकि स्केटर भी ऊपर जा रहा है और आदमी भी ऊपर जा रहा है तो स्पीड हो जाएगी एड। नीचे आते टाइम, डाउनवर्ड आते टाइम स्पीड कितनी हो जाएगी, स्केटर ऊपर जा रहा था आदमी नीचे आ रहा था तो स्पीड हो जाएगी उसकी कितनी, ठीक है, स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, ऊपर जाते टाइम स्पीड हो जाएगी आदमी की स्पीड को एस्केलेटर का सहायता मिली है, नीचे आते टाइम क्योंकि एस्केलेटर उसको ऊपर खींच रहा है, अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर है ना ये, और उसने बोला भी है बट ही टेक्स 60 सेकंड्स टू वॉक डाउन ऑन द सेम एस्केलेटर, सेम एस्केलेटर अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर, इसी एस्केलेटर से नीचे आते टाइम एस्केलेटर ऊपर खींचेगा आदमी नीचे आ रहा है तब कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकंड्स लग रहे हैं उसको। ठीक है, तो आदमी एस्केलेटर की स्पीड माइनस होगी क्योंकि एस्केलेटर उसको ऊपर खींच रहा था। अब हमारे पास स्पीड का रेशियो तो ये आ रहा है, ठीक है, टाइम का रेशियो कितना आ रहा है, ऊपर जाते टाइम और नीचे आते टाइम, ऊपर जाते टाइम टाइम कितना लग रहा था 40, नीचे आते टाइम कितना लग रहा है 60, तो टाइम का रेशियो आ रहा है 2/3। डिस्टेंस क्या है यहां पर, कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट, ऊपर जाते टाइम भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया, नीचे जाते टाइम भी उतना डिस्टेंस कवर किया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम के रेशियो को जस्ट उल्टा कर दो स्पीड का रेशियो आ जाएगा, तो स्पीड का रेशियो कितना था एम प्लस ई अपॉन एम माइनस ई, टाइम के रेशियो को जस्ट उल्टा कर दो तो 2/3 का उल्टा कर दो कितना आ जाएगा 3/2। ये स्पीड का रेशियो है ऊपर जाते टाइम और नीचे आते टाइम, ये टाइम का रेशियो है जस्ट उल्टा, ऊपर जाते टाइम नीचे टाइम का उल्टा था 2/3, इसका उल्टा कर दो 3/2, क्योंकि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, तो टाइम के रेशियो का जस्ट उल्टा कर दो स्पीड का रेशियो आ जाएगा, टाइम के रेशियो का जस्ट उल्टा कर दिया स्पीड का रेशियो, और स्पीड का रेशियो वेरिएबल के टर्म्स में ये था, नंबर्स के टर्म में ये रहा। इसको कोई भी बच्चा सॉल्व कर लेगा आई थिंक, इंसानों की तरह सोचो, बहुत सारे बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करने शुरू कर देते हैं, कहते हैं 2 × m 2m 2 × e 2e 3 × m 3m -3, ऐसे करेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम। सीधा सोचो, दो ऐसे नंबर जिनको ऐड करके 3 आ रहा है, दो ऐसे नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करके 2 आ रहा है, वो दो नंबर क्या है जिनको ऐड करके 3 आता है सब्ट्रैक्ट करके 2 आता है, वो नंबर कौन से होंगे जल्दी बताओ, 2.5 एंड 0.5। 2.5 में 0.5 ऐड करोगे 3, 2.5 में 0.5 हटा दोगे 2, तो वो नंबर क्या है 2.5। एम और ई, एम को लो 2.5 और ई को ले लो 0.5, पॉइंट से पॉइंट हटाया रेशो आ गया 5/1, तो एम और ई की स्पीड का रेशो आ गया 5/1। बताइए जरा, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या, एम बाय ई का रेशो आ गया 5/1। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट मेथड समझ में नहीं आया होगा ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरी फील ले लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरी फील ले लेना, 2 × m 2m 2 × e 2e, ऐसे फील लेना, 3 × m 3m - 3e, इसको इधर ले आना 5e, m बराबर आ जाएगा 5e, फिर यहां से हम लोग m बाय e का रेशो बोल देंगे 5/1। ठीक है, अगर एग्जाम में गैस नहीं कर पा रहे हो नंबर, नंबर्स अगर गैस नहीं कर पाओगे तब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम करना पड़ेगा, बट हमसे पूछा क्या जा रहा है, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ द एस्केलेटर टू द स्पीड ऑफ राम, एस्केलेटर टू द स्पीड ऑफ राम, मैंने निकाला है राम टू एस्केलेटर 5/1, तो एस्केलेटर टू राम कितना आ जाएगा 1:5, एस्केलेटर टू राम कितना आ जाएगा 1:5, मतलब बाय डिफॉल्ट आदमी का स्पीड ज्यादा लेते हैं, जैसे बोट एंड स्ट्रीम में क्या लेते थे हम लोग, बोट का स्पीड ज्यादा लेते थे स्ट्रीम की स्पीड से, ऐसे ही एस्केलेटर के केस में क्या ले रहे हैं, आदमी का स्पीड ज्यादा लेते हैं एस्केलेटर से। ठीक है, मतलब वो हमारे पास डिफॉल्ट केस है। ठीक है, आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक तो किसी को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था हमारे पास ये। ठीक है, चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस। ठीक है, हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल सेम है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल किसकी तरह, किसकी तरह, बोट एंड स्टीम की तरह, ठीक है। आनंद टेक्स 90 सेकेंड्स टू मूव अप एन एस्केलेटर विच इज मूविंग डाउनवर्ड। एस्केलेटर नीचे आ रहा है, आनंद ऊपर जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 90 सेकेंड्स, एंड ही टेक्स 30 सेकेंड्स टू मूव डाउन द सेम एस्केलेटर। एस्केलेटर तो नीचे आ रहा है ना, एस्केलेटर नीचे आने वाला है, ठीक है। अगर आदमी भी नीचे आ रहा है उससे तो कितना टाइम लगता है, 30 सेकेंड। इसी सेम एस्केलेटर से अगर आदमी ऊपर जा रहा है तो टाइम कितना लगता है, 90 सेकेंड्स। बात समझ में आ गई, ये टाइम है दिया हुआ है, टेक्स 90 सेकेंड्स टू मूव अप एन एस्केलेटर विच इज मूविंग डाउनवर्ड। एक ऐसा एस्केलेटर जो डाउनवर्ड जा रहा है, उससे आनंद ऊपर जा रहा है, तो उसको कितना टाइम लगता है, 90 सेकेंड्स। सिंपल सी बात है, ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। एंड ही टेक्स 30 सेकेंड्स टू मूव डाउन द सेम एस्केलेटर, नीचे आने में उसको कितना टाइम लगता है, 30 सेकेंड्स लगता है, क्योंकि एस्केलेटर भी नीचे आ रहा है, आदमी भी नीचे आ रहा है, तो टाइम 30 सेकेंड्स लगा। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू गो अप और डाउन व्हेन द एस्केलेटर इज स्विच्ड ऑफ। जब एस्केलेटर बंद रहेगा, चाहे तो वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे आए, चाहे तो वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे आए, उसको टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। जब एस्केलेटर हमारा ऑफ है, जब एस्केलेटर हमारा ऑफ है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे आए, टाइम सेम लगेगा, क्योंकि एस्केलेटर तो काम करेगा ही नहीं तब, तब उसको खुद की स्पीड से जाना पड़ेगा। घर में सीढ़ियां हैं, ठीक है, मेरी स्पीड सीढ़ियों पे चलने की जो भी है, ऊपर जाते टाइम भी उतनी स्पीड रहती है, नीचे जाते उतना टाइम भी, तो टाइम सेम लगेगा ना, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, स्पीड का रेशो, स्पीड का रेशो ऊपर जाते टाइम और नीचे जाते टाइम, ऊपर जाते टाइम स्पीड कितनी होगी, क्योंकि राम ऊपर जा रहा है और एस्केलेटर उसको नीचे खींच रहा है, नीचे जाते टाइम स्पीड कितनी होगी, दोनों की एड हो जाएगी, ठीक है। टाइम देखो, ऊपर जाते टाइम नीचे आते टाइम, ऊपर जाते टाइम कितना लग रहा है, 90, और नीचे आते टाइम कितना लग रहा है, 30, रेशियो कितना आ रहा है, 3/1। स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का जस्ट उल्टा होता है, तो m माइनस ई अपॉन m प्लस ई, टाइम का रेशियो उल्टा कर दो, 1/3, ठीक है, 1/3। ऐसे दो नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करके 1 आता है, ऐड करके 3 आता है, तो वो नंबर कौन कौन से होंगे, 2 और 1 होंगे आई थिंक, तो m और e का रेशो आ रहा है यहां से 2/1, m और e का रेशो आ रहा है 2/1, 2-1 1, 2+1 3, ठीक है। तो स्पीड ऑफ मैन और स्पीड ऑफ एस्केलेटर का रेशो आने लग रहा है 2/1, बोले तो हाँ या ना, स्पीड ऑफ मैन एंड स्पीड ऑफ एस्केलेटर का रेशो कितना आने लग रहा है, 2/1। यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही है, स्पीड ऑफ मैन एंड स्पीड ऑफ एस्केलेटर का रेशो कितना आने लग रहा है, 2/1 आने लग रहा है, ठीक है, ये बात क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू गो अप और डाउन व्हेन द एस्केलेटर स्विच ऑफ। हमसे टाइम पूछा है, टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हमें डिस्टेंस पता है कितनी है, क्या हमें डिस्टेंस पता है क्या कितनी है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो एस्केलेटर की है, नहीं पता। डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, स्पीड इंटू टाइम। बट हमें यह पता है, ऊपर जाते टाइम उसको 90 सेकेंड्स लग रहे थे, ऊपर जाते टाइम उसको 90 सेकेंड्स लग रहे थे, और ऊपर जाते टाइम उसकी स्पीड कितनी थी, m माइनस ई, m का वैल्यू 2 है, e का वैल्यू 1 है, तो आप यहां पर लेट कर लो, आदमी की स्पीड कितनी है, 2 स्टेप्स पर सेकंड, स्टेप्स पर सेकंड में लेते हैं यहां पर स्पीड्स, और एस्केलेटर की स्पीड कितनी है, 1 स्टेप्स पर सेकंड, तो ऊपर जाते टाइम कितना हो जाएगा इनका, क्योंकि एस्केलेटर नीचे आ रहा है वो ऊपर जा रहा है, स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस, तो इनकी ओवरऑल स्पीड कितनी आ जाएगी, 1 स्टेप्स पर सेकंड ऊपर जाते टाइम, और ऊपर जाते टाइम टाइम कितना लग रहा है, 90 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना आ गया, स्पीड 1 स्टेप्स पर सेकंड है, टाइम 90 सेकंड है, तो 90 स्टेप्स का डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है, 90 स्टेप्स का डिस्टेंस है, ठीक है। आप बोलोगे सर मीटर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेते हैं स्टेप्स में, क्योंकि कल को मैं स्टेप्स वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, तब आपको ऐसा ना लगे ये स्टेप्स क्या आ गए, हमें तो स्टेप्स पता ही नहीं था, ठीक है, तो वो हमें तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील ना करो, इसलिए शुरू से तुम्हें कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश की जा रही है कि भाई एस्केलेटर में स्टेप्स लेते हैं, ठीक है, मीटर ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो 90 स्टेप्स का डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 90 स्टेप्स का है। तुम डिस्टेंस कैसे भी निकाल सकते हो, चाहे तो ऊपर जाने वाले केस से निकाल लो, चाहे नीचे आने वाले केस से निकाल लो, नीचे वाले आने वाले केस से डिस्टेंस निकाल के दिखाऊं क्या, चलो बस ये ध्यान रखना, नीचे आते वाले टाइम उसको 30 सेकंड्स लग रहे थे, एस्केलेटर भी नीचे आ रहा था, आदमी भी नीचे आ रहा था, 30 सेकंड्स लग रहे थे, ठीक है, तब स्पीड कितनी होती है, नीचे आते टाइम, डाउनवर्ड आते टाइम स्पीड थी m प्लस e, तो डिस्टेंस कितना होता है बच्चे, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी थी हो जाएगी, नीचे आते टाइम m प्लस e,
टाइम कितना था 30 सेकंड्स, आदमी की स्पीड कितनी आई 2 प्लस 1 स्टेप पर सेकंड, 13 टू 3 ये भी कितना आ रहा है 90 स्टेप्स आ रहे हैं। डिस्टेंस कैसे भी निकाल लेना कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस कैसे भी निकाल लेना कोई दिक्कत नहीं है, 90 स्टेप्स का डिस्टेंस है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, इस 90 स्टेप्स को ऊपर जाने में या नीचे आने में, इस 90 स्टेप्स को ऊपर जाने में या नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 90 स्टेप्स को ऊपर जाने में नीचे आने में कितना टाइम लगेगा अगर एस्केलेटर स्विच्ड ऑफ है। अगर एस्केलेटर काम ही नहीं कर रहा तो कौन काम कर रहा है, सिर्फ आदमी काम कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है 2 स्टेप्स पर सेकंड, डिस्टेंस कितना है 90 स्टेप्स, तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस 90 स्टेप्स है, आदमी की स्पीड 2 स्टेप्स पर सेकंड है, तो इट टेक्स 45 सेकंड्स, उसको 45 सेकंड्स लगेंगे अगर एस्केलेटर काम नहीं करेगा तो, उसको 45 सेकंड्स लगेंगे अगर एस्केलेटर काम नहीं करेगा तो। बताइए जरा यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आती है क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जिन लोगों ने हार्मोनिक मीन पढ़ा हुआ है वो लोग हार्मोनिक मीन वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, कोई दुख दर्द परेशानी अपने को नहीं है, तब भी इतना ही टाइम आएगा। 45 इज ऑल्सो द हार्मोनिक मीन ऑफ 30 एंड 90। ठीक है, 45 इज ऑल्सो द हार्मोनिक मीन ऑफ 30 एंड 90। ठीक है, हार्मोनिक मीन वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, जिन लोगों ने पता है हार्मोनिक मीन में भी बता नहीं रहा, ठीक है, हाँ पता होना चाहिए आप लोगों को। जैसे इसका आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा सकते हो, 30 × 90 / 30 + 90 कितना आता है 120 आता है, और ऊपर कितना है हमारे पास है 90 है, 30 से डॉ 3 आएगा 4 आएगा, 4 से स्क्वायर तो कितना आएगा 2 आएगा, 90 बाई 2 कितना होता है 45। दो नंबर्स हैं अगर ए एंड बी तो उनका हार्मोनिक मीन कितना होता है बच्चे 2ab / a + b। तो पहले वाले टाइम को ए मान लो जो कि 30 था, दूसरे वाले टाइम को 90 मान लो जो कि बी था। ठीक है, और हमसे पूछा है अगर एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है तब कितना टाइम लगेगा, तो यू गाइस कैन ऑल्सो यूज दिस शॉर्टकट, बट इसमें ध्यान रखना ए पहले वाला टाइम है, यानी कि जब एस्केलेटर भी नीचे आता था आदमी भी नीचे आ रहा था तब 30 सेकंड लग रहे थे, बी कौन सा टाइम है जब एस्केलेटर नीचे आ रहा है आदमी ऊपर जा रहा है, बी वो टाइम है। तो हार्मोनिक मीन जो लोगों को पता है वो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, सीधा सीधा शॉर्टकट है। ठीक है, एग्जाम में ना शॉर्टकट वॉर्टकट बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है, रियलिटी तो ये है, एग्जाम में शॉर्टकट वॉर्टकट बेस्ड क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, इसलिए हम पढ़ाते जरूर है इसको, बट आई एन आई अपने को पता नहीं है एग्जाम में क्या आता है, मन में आ रहा होगा ना, चलो एग्जाम में क्या आता है, ये रहा कैट 2022 का क्वेश्चन। अच्छा पिछला क्वेश्चन क्लियर है ना भाई, 45 सेकंड इसका आंसर था शॉर्टकट का यूज करके भी। शॉर्टकट क्या है 2ab / a + b, ए जब आदमी भी नीचे आ रहा है एस्केलेटर भी नीचे आ रहा है वो वाला टाइम, बी जब आदमी ऊपर जा रहा है एस्केलेटर नीचे आ रहा है वो वाला टाइम, तो यूज करा है यहां से 45 आ गया। ये 45 कौन सा टाइम है, आदमी को टाइम लगेगा अगर एस्केलेटर बंद है ऊपर जाने में नीचे आने में इतना। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से सिर्फ वो टाइम निकाल सकते हैं जब एस्केलेटर ऑफ है तो आदमी को ऊपर जाने में और नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ वो वाला टाइम निकलेगा यहां से। ठीक है, अब जरा एग्जाम में क्या आता है, मैंने बोला था ना एग्जाम में क्या आता है, तो कैट 2022 स्लॉट 3 में एस्केलेटर बेस्ड क्वेश्चन आया था, जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। कैट 2022 में स्लॉट 3 में, कैट 2022 के स्लॉट 3 में क्वेश्चन आया था, इसको देखते हैं और जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसी के बेसिस पर आराम से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इज द की गाइस टू क्रैक एनी एग्जाम, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपका एग्जाम 101% क्लियर होगा। मोदी टेक 30 सेकंड्स टू फिनिश राइडिंग एन एस्केलेटर इफ ही वॉक्स ऑन इट एट हिज नॉर्मल स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जाता है तो उसको, इफ ही टेक्स 20 सेकंड्स टू फिनिश राइडिंग द एस्केलेटर इफ ही वॉक्स एट ट्वाइस हिज नॉर्मल स्पीड, अगर वो अपनी स्पीड ट्वाइस कर देगा तो उसको 20 सेकंड्स लगेंगे सेम डायरेक्शन में। मतलब ये एस्केलेटर है ना, आज ये एस्केलेटर मान लो ऊपर जा रहा है और मोदी यहां पर खड़ा हुआ है, ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक बार इसकी स्पीड मान लो m है, जब इसकी स्पीड m है तो इसको 30 सेकंड्स लगते हैं, ये इसकी स्पीड है m, यदि अपनी स्पीड ट्वाइस कर लेगा तो 20 सेकंड्स लगेंगे, स्पीड अब कितना हो गई 2m हो गई, तो कितना टाइम लग रहा है 20 सेकंड। सिंपल सी बात है, अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम लगता है, दुनिया को पता है बात। ठीक है, स्पीड का रेशियो निकालो न्यू अपॉन ओल्ड, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों उसकी 2m, एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है तो e, पुरानी स्पीड कितनी थी m + e,
टाइम का रेशो बताओ न्यू अपॉन ओल्ड कितना हो जाएगा, न्यू टाइम कितना है 20, पुराना टाइम कितना था 30। तो स्पीड का जो रेशो है वो टाइम के रेशो का जस्ट उल्टा होता है अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो। तो कर दो जरा इसको यहां पे, तो 2m प्लस ई अपॉन m प्लस ई, ये स्पीड का रेशो है, टाइम के रेशो का जस्ट उल्टा कर दो, बट द कंडीशन इज आपने टाइम भी न्यू अपॉन ओल्ड निकाला हो। जैसे यहां पर स्पीड न्यू अपॉन ओल्ड निकाला है, टाइम भी न्यू अपॉन ओल्ड निकाला हो, नया टाइम 20 है पुराना टाइम 30 है, तो इसका उल्टा कर दो, उल्टा करके रेशियो कितना आएगा 3/2, उल्टा करके रेशियो कितना आएगा 3/2 आएगा, बोले तो हाँ है ना। अब मैंने बताया इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो वैल्यू गेस कर लो, या तो आप लोग वैल्यू गेस कर लो, इसको सॉल्व करने के जो तरीके हैं, या तो वैल्यू गेस करो या इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। मैं तो करता हूं जी वैल्यू गेस करने के तरीके से, ठीक है। ये 2 है, नए जमाने का 2 है, भूल मत जाना, ये 2 है अपर लिखा हुआ, ठीक है। 2m plus e का वैल्यू 3 है और m plus e का वैल्यू था 2। ऑब्जर्वेशन, एक m ही तो बढ़ा है ना ऊपर, प्लस e तो यहां पर भी था, प्लस यहां पर भी है, m से 2m हो गया, m बढ़ने से, एक m ऐड होने से इधर 1 ऐड हो गया, यानी कि m का वैल्यू 1 है। अगर m का वैल्यू 1 है तो m plus e 2 है, तो e का वैल्यू भी 1 होगा। तो यहां से स्पीड ऑफ मैन और स्पीड ऑफ एस्केलेटर का रेशो 1/1 आ गया, स्पीड ऑफ मैन एंड स्पीड ऑफ एस्केलेटर का रेशो आ गया 1:1। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है, चेक कर लो, 1 × 2, 2 + 1, 3 आ रहा है, 1 + 1, 2 आ रहा है, स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ एस्केलेटर 2 है, ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ मैन प्लस एस्केलेटर 3 है, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशो आएगा स्पीड ऑफ मैन और स्पीड ऑफ एस्केलेटर का। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। इफ मोदी डिसाइडेड टू स्टैंड स्टिल ऑन द एस्केलेटर, ठीक है, इफ मोदी डिसाइडेड टू स्टैंड स्टिल ऑन द एस्केलेटर, मोदी डिसाइड करा कि वो बिल्कुल खड़ा रहेगा, मतलब लाइक जेंटलमैन जैसे खड़े हो जाते हैं एस्केलेटर पे जाके, ठीक है, देन द टाइम इन सेकंड्स नीडेड टू फिनिश राइडिंग द एस्केलेटर, तो उसको कितना टाइम लगेगा ये राइड फिनिश करने के लिए एस्केलेटर से। जब मोदी सिर्फ एस्केलेटर पे जाके खड़ा हो जाएगा तो कौन काम करेगा? सिर्फ एस्केलेटर काम करेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ जाके खड़ा है वहां पर, जैसे नॉर्मली लोग जाके खड़े हो जाते हैं एस्केलेटर पे, तो वो किसकी स्पीड से ऊपर जाएगा? एस्केलेटर की स्पीड से। एस्केलेटर की स्पीड कितनी है? 1 steps per second, इसको स्टेप्स पर सेकंड लिख लेना भाई, 1 steps per second। मैन की स्पीड कितनी है? 1 steps per second। अब हमें बताना है टाइम, हमें बताना है टाइम, बताना है ना, देन द टाइम, टाइम किसके बराबर होता है बच्चे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट मींस पहले डिस्टेंस तो निकालो ना, वो डिस्टेंस कितना है। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे लो, मान लो हमने हमने देखा जब उसको 30 seconds का टाइम लगा था तब उसकी स्पीड क्या थी, तब उसकी स्पीड कितनी थी भाई? वो चल रहा था यूजुअली और एस्केलेटर चल रहा था, 20 सेकंड तो उसको तब लगे ना जब उसकी स्पीड ट्वाइस हो गई। तो जब खाली मोदी चल रहा था और एस्केलेटर चल रहा था तो मोदी की स्पीड 1 step per second, एस्केलेटर की स्पीड भी 1 step per second, जब दोनों ऊपर जाएंगे तो दोनों की स्पीड हो जाएगी 2 steps per second। टाइम कितना लग रहा था? 30 सेकंड। तो डिस्टेंस कितना आ गया? वो 60 steps का डिस्टेंस है, 60 steps का डिस्टेंस है। बात समझ में आ गई? 60 स्टेप बनी हुई है वो एस्केलेटर पे। अब एस्केलेटर की स्पीड कितनी है? 1 step per second। अब मोदी सिर्फ एस्केलेटर पे जाके खड़ा हो गया तो उसको कितना टाइम लगेगा? एस्केलेटर की स्पीड से मूव करेगा तो कितना टाइम लगेगा 60 स्टेप्स को चलने में? यदि एस्केलेटर की स्पीड 1 step per second है तो 60/1 इट टेक 60 seconds, उसको 60 सेकंड का टाइम लगेगा। बताइए जरा, उसको 60 सेकंड का टाइम लगेगा। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ये कैट 2022 का स्लॉट 3 का क्वेश्चन है, ये कैट 2022 में आया हुआ स्लॉट 3 का क्वेश्चन है जो मैंने बताया आपको। डिट्टो सेम क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं भाई। डिस्टेंस कांस्टेंट में क्या होता है? स्पीड के रेशो का जस्ट उल्टा कर दो टाइम का रेशो। यही बताता चला आ रहा हूं मैं शुरू से तुम्हें कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है स्पीड का रेशो टाइम के रेशो का उल्टा होता है। तो टाइम का रेशो था 2/3, इसका उल्टा कर दिया 3/2, स्पीड के बराबर रख दिया। वही चीजें हैं, ठीक है, यहां से सॉल्व करके ये आ गया। फिर हमने डिस्टेंस निकाला, वो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। इस कौन सा टाइम लिया है? 30 सेकंड। 30 सेकंड वाले केस में उसकी स्पीड कितनी थी? स्पीड ऑफ एस्केलेटर प्लस स्पीड ऑफ मैन। तो स्पीड ऑफ एस्केलेटर प्लस स्पीड ऑफ मैन कितना हो गया? 2 steps per second हो गया। 30 सेकंड्स लगे तो टोटल कितने स्टेप्स का डिस्टेंस है? वो 60 स्टेप्स का। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 60 स्टेप्स और स्पीड कितनी है एस्केलेटर की? 1 step per second, क्योंकि मोदी तो क्या है, मोदी डिसाइडेड टू स्टैंड स्टिल ऑन द एस्केलेटर, उसने तो सिर्फ जाके खड़ा होना है वहां पर, ठीक है, वो चलना नहीं है। तो आई होप ये 56th क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। मुझे लगता है आई थिंक 56th क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं जरा, ये रहा 57th क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है।
इसमें आपको थोड़ा फील आएगी स्टेप्स वाली, जो मैं आपको स्टेप्स स्टेप्स कर रहा हूं ना ये पिछले तीन क्वेश्चन से, इसको जरा रीड करते हैं। चिंटू हु इज ऑलवेज इन अ हरी वॉक्स अप एंड अप गोइंग एस्केलेटर, ऊपर जाते हुए एस्केलेटर पे, ठीक है। चिंटू जो कि हमेशा जल्दबाजी में रहता है, ऊपर जा रहा है एक अप गोइंग एस्केलेटर पे एट द रेट ऑफ वन स्टेप्स पर सेकेंड, यानी कि चिंटू की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ चिंटू कितना है, वन स्टेप्स पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड है। तो 20 स्टेप्स ब्रिंग हिम टू द टॉप, तो 20 स्टेप चलेगा वो टॉप पे पहुंचने के लिए, कितने स्टेप चलेगा, 20 स्टेप चलेगा, ठीक है। द नेक्स्ट डे ही गोज अप एट अ 2 स्टेप्स पर सेकेंड, अगले दिन उसकी स्पीड हो गई 2 स्टेप्स पर सेकेंड, ये स्पीड अगले दिन हो गई 2 स्टेप्स पर सेकेंड की स्पीड हो गई है अगले दिन। रीचिंग द टॉप इन 32 स्टेप्स, तो टॉप पर पहुंचने के लिए उसको 32 स्टेप्स चलने पड़ रहे हैं, तो उसको चलने पड़ रहे हैं। ये जो स्टेप्स लिखे जा रहे हैं ना, ये वो स्टेप्स हैं जो चिंटू ने चले हैं, ठीक है। द नेक्स्ट डे ही गोज अप एट द 2 स्टेप्स पर सेकेंड रीचिंग द टॉप इन 32 स्टेप्स, 32 स्टेप्स पर टॉप पे पहुंच जा रहा है। पहले वाले केस में उसकी स्पीड कितनी थी, 1 स्टेप पर सेकेंड, तो 20 स्टेप्स में टॉप पे पहुंच जा रहा था। बट इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन कि जो एस्केलेटर है वो भी अप अप गोइंग है, तो एस्केलेटर की तो स्पीड भी काम करेगी ना यार, एस्केलेटर भी तो ऊपर चल रहा होगा ना, एस्केलेटर की स्पीड भी तो होती है ना, समझ रहे हो ना ये बात को। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, हमने अभी तक तीन क्वेश्चंस करे हैं एस्केलेटर के, इन तीनों में क्या होता है, ये स्टेप्स इस तरह से बने हुए हैं, मान लो भाई एस्केलेटर की स्पीड भी तो लेते हो ना आप लोग, ठीक है। मान लो एक सेकंड में ये दो स्टेप्स अंदर हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं ना स्टेप मशीन के, तो एस्केलेटर की स्पीड कितनी हो गई, 2 स्टेप्स पर सेकंड। तो इस वाले केस में एस्केलेटर भी तो काम कर रहा होगा ना, एस्केलेटर की स्पीड कितनी है ई, बट एस्केलेटर एस्केलेटर कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये तो हमें पता नहीं ना, पूरे स्टेप्स कितने हैं, बट इन पूरे स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स कवर कर पाता है चिंटू। पहले वाले केस में 20 स्टेप्स कवर करे, दूसरे वाले केस में 32 स्टेप्स कवर करे, चिंटू की स्पीड भी गिवन है हमें दोनों केस में, तो हम ये निकाल लेंगे ना चिंटू ने कितने टाइम तक कवर किया है, कितने टाइम तक चिंटू उतने स्टेप्स कवर कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन क्वेश्चन, पहले वाले केस में उसने 20 स्टेप्स कवर करे जब उसकी स्पीड 1 स्टेप्स पर सेकंड थी, तो चिंटू कितने टाइम तक एस्केलेटर पे रहा होगा, कितने टाइम तक, 20 स्टेप्स कवर करे, स्पीड है 1 स्टेप्स पर सेकंड, तो इट मींस वो 20 सेकंड तक किस पे रहा होगा, एस्केलेटर पे। इस 20 सेकंड में एस्केलेटर भी तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ना, एस्केलेटर की स्पीड मान लेते हैं ई, एस्केलेटर की स्पीड मान लेते हैं ई, तो टोटल स्टेप्स कितने हो जाएंगे बच्चे टोटल स्टेप्स कितने हो जाएंगे, आउट ऑफ टोटल स्टेप्स 20 स्टेप्स तो चिंटू ने चले, और 20 सेकंड तक एस्केलेटर ने भी तो काम किया ना, तो एस्केलेटर की स्पीड है e स्टेप्स पर सेकंड, एस्केलेटर की स्पीड है, तो 20 सेकंड में वो कितने स्टेप्स चलेंगे, 20 e, तो दीज आर द टोटल स्टेप्स ऑफ द एस्केलेटर, ये टोटल स्टेप्स हैं। इन टोटल स्टेप्स में से चिंटू ने 20 चले, बाकी एस्केलेटर ने चले, एस्केलेटर ने कितने सेकंड्स तक चले, 20 सेकंड्स तक, एस्केलेटर की स्पीड कितनी है ई, तो 20 e आएगा। ये बात समझ में आ गई, दिस इज यूजिंग दिस कंडीशन, इस कंडीशन का यूज करके। अब सेकंड केस में उसकी स्पीड हो जाती है 2 स्टेप्स पर सेकंड, और वो कितने स्टेप्स चलता है, 32 स्टेप्स चलता है, स्पीड हो गई 2 स्टेप्स पर सेकंड और कितने स्टेप चलता है, 32 स्टेप्स, तो कितना टाइम लगेगा, पहले इस केस में देखो उसको कितना टाइम लगेगा, 32 स्टेप्स, 2 स्टेप्स पर सेकंड की स्पीड से 16 सेकंड लगेंगे उसको, 16 सेकंड तक वो एस्केलेटर पे रहा, तो यहां पर हमारे टोटल स्टेप्स कितने आ जाएंगे बच्चे, यहां पर टोटल स्टेप्स कितने आ जाएंगे, देखो 32 स्टेप्स तो उसने कवर करे ही है, और ये 32 स्टेप्स वो कितनी देर में कवर करता है, 16 सेकंड में, क्योंकि आज उसकी स्पीड 2 स्टेप्स पर सेकंड है, तो इस 16 सेकंड तक एस्केलेटर ने भी तो काम किया है, एस्केलेटर की स्पीड कितनी है ई स्टेप्स पर सेकंड, तो 16 सेकंड में एस्केलेटर कितने स्टेप्स कवर करेंगे, 16 e। बच्चे ये दो इक्वेशन बना दिए मैंने आप लोगों के लिए, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, और ये दोनों इक्वेशंस ना टोटल स्टेप को शो करती हैं, तो टोटल स्टेप पहले वाली इक्वेशन के थ्रू, ये टोटल स्टेप दूसरे वाली इक्वेशन के थ्रू, ये इन दोनों को इक्वेट कर देना बच्चे, इन दोनों को इक्वेट कर देना आप, और ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, 4e का वैल्यू आ रहा है 12, और e का वैल्यू आ जाएगा यहां से 3, e का वैल्यू आ गया 3। e क्या था, व्हाट वाज e गाइस, व्हाट वाज e, इज द स्पीड ऑफ एस्केलेटर, कितना आ रहा है 3, 3 स्टेप्स पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ द एस्केलेटर, एस्केलेटर का स्पीड कितना आ गया 3 स्टेप्स पर सेकंड,
एस्केलेटर का स्पीड कितना आ गया, 3 steps per second। समझ में आई क्या है बात? यहां से एस्केलेटर का स्पीड निकल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द एस्केलेटर, एस्केलेटर पे कितने स्टेप्स हैं। भाई दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन का यूज कर लो, ये भी टोटल स्टेप्स बताती है, ये भी टोटल स्टेप्स बताती है। अगर मेरा कॉन्सेप्ट गलत है तो टोटल स्टेप्स अलग अलग आएंगे, अगर मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है तो टोटल स्टेप दोनों जगह से सेम आएंगे। ई को 3 पुट करो, 3 × 20 = 60 + 2 = 20 = 80। यहां से भी 80 आना चाहिए, 16 × 3 = 48 + 32 = 80। तो 80 स्टेप्स आ रहे हैं, टोटल स्टेप्स यहां पर पुट कर दो, 20 + 20, ई का वैल्यू कितना है 3, तो 60 + 20 कितना होता है 80 होता है। तो 80 स्टेप्स आर देयर इन द एस्केलेटर, ठीक है। एस्केलेटर पे कितने स्टेप्स हैं, 80 एस्केलेटर। पहले वाले केस में 80 एस्केलेटर में से वो 20 स्टेप्स खुद कवर कर रहा था, बाकी के 60 स्टेप्स एस्केलेटर कवर कर रहा था। दूसरे वाले केस में 32 स्टेप्स वो खुद कवर कर रहा था, 48 स्टेप्स एस्केलेटर कवर कर रहा था, ठीक है। और वहीं से हमने इक्वेशन बनाया, पहले वाले केस में उसकी स्पीड इतनी थी तो कितने टाइम तक एस्केलेटर पर रहा होगा, 20 सेकंड तक एस्केलेटर ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, 20e डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्केलेटर, 20 डिस्टेंस कवर्ड बाय चिंटू। सेकंड केस में 32 स्टेप्स कवर्ड बाय चिंटू, टू कवर दिस 32 स्टेप्स ही टेक 16 सेकंड तक एस्केलेटर ने भी काम किया, 16 नहीं, ये भी टोटल स्टेप्स हैं, ये भी टोटल स्टेप्स हैं, दोनों को इक्वेट किया, e का वैल्यू 3 आया, e वाज द स्पीड ऑफ एस्केलेटर, e का वैल्यू पुट करा यहां पर, 20 × 3 = 60 + 20 = 80। यू गाइस कैन ऑल्सो पुट द वैल्यू ऑफ e इन द सेकंड इक्वेशन, यू विल गेट द सेम आंसर, 80 स्टेप्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को स्टेप्स वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, थोड़ी सी क्लैरिटी भी होगी आप लोगों को एस्केलेटर को लेके, हमने जो 4 क्वेश्चन अब तक किए हैं, ठीक है। आया ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। मैं पूरी एनर्जी के साथ ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, एंड कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम क्वालिटी कंटेंट आप लोग तक डिलीवर की जाए। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क गाइस, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, अभी ट्राई कर लो और मुझे इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आता है। स्टेप्स वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही है क्वेश्चन ये, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइस, ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लोग अभी करने हैं, वो भी करेंगे हम लोग। This is my profile on Unacademy, ये मेरा Unacademy का profile है, इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है, अगर आप लोग Unacademy का सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो, क्या 23 या 24 या 25 वाले बच्चे जो भी हैं, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन आप प्लान कर रहे हो तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अभी करंटली ऑफर ऑन गोइंग है, फ्रीडम ऑफर चल रहा है Unacademy पे एक्चुअल में, ठीक है। इस फ्रीडम ऑफर के अंतर्गत आपको 6 मंथ के साथ साथ 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा इन 20,800। एंड इफ यू गाइस आर टारगेटिंग 23 वालों के लिए, 24 वालों के लिए 18 मंथ्स पे 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा इन 28,000। इन दोनों प्राइसेस पर आप लोगों को रेफरल कोड उदित लाइव यूज करके, ये रेफरल कोड यूज करके और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये तो थी बातें ऑफर की, एंड बेसिकली दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, ठीक है। And you will get all these things after subscribing Unacademy Plus. More than 25,000 questions for practice, 25 plus full length mock test for CAT, 60 plus sectional test, 30 plus batch specific test, 25 plus full length mock test for OMET, 30 plus skill builder test, 30 plus GK test for TISNET and IFT. ठीक है, you will get all these things. ठीक है, and guys एक चीज और, हम लोगों ने MBA पाठशाला का इंस्टाग्राम पेज भी बना लिया है, जिस पर हम लोग नॉन एकेडमिक चीजें हैं कि कौन से कॉलेज क्या रहता है वो भी हम लोग वहां पर अपडेट कर रहे हैं, डेली एक पोस्ट मिलेगी आप लोगों को। जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है एमबीए पाठशाला का, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। बहुत सारे बच्चों ने आई थिंक ज्वाइन भी किया होगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे 2-3 पोस्ट डाल चुका हूं, मैं लिख भी देता हूं यहां पर कि वो क्या है, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आपको नॉन एकेडमिक चीजों में भी इंटरेस्ट ले रहे हो आप लोग कि भाई किस कॉलेज में कितना वेटेज होता है, क्या होता है, सब चीजें कॉलेज के रिगार्डिंग, वो सब चीजें आपको वहां पर मिलने वाली है। तो MBA_PATHSHALA फिर _ इस नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम पेज जो हम लोगों ने अभी जस्ट बनाया है, ठीक है, वहां पर भी आपको नॉन अकेडमिक चीजें मिल जाएंगी। चलिए जी, मिलते हैं फिर गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।